दियारा यानी गंगा नदी के किनारे का टापू, जिस पर अधिकार की लड़ाई हर साल गंगा के करवट लेते ही शुरू होती है। उत्तर प्रदेश और बिहार बॉर्डर पर स्थित चौसा भी बदलाव की करवट ले रहा है। बिहार में शराबबंदी के बाद इलीगल देसी दारू के कारोबार में शामिल हर माफिया चौसा के दियारे पर अपनी बादशाहत कायम रखने के लिए रावण राज चलाना चाहता है। लेकिन यहां रावण को मारने के लिए राम नहीं 10 चेहरों वाला रावण ही बनना पड़ता है। बिगुल बच चुका है। चौसा के नए खूनी अध्याय में आप सबका स्वागत है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या इंस्पेक्टर? मैडम के सामने से बंदूक नीचे करो। का है? हाँ? I think you are not getting the seriousness of the situation, Inspector. Do you know who she? अरे हमको क्या मालूम कौन है? हाँ? अनीता शर्मा, SP, New Delhi STF, और मैं उनका जूनियर सबॉर्डिनेट विजय रस्तोगी। बिहार और बिहार के आसपास के बॉर्डर पे होने वाले अवैध शराब के धंधे को रोकने के लिए हमें स्पेशल रिकमेंडेशन पे भेजा गया है। और अगर तुम्हें कल अपनी परेड नहीं करवानी है तो जस्ट पुट योर गन डाउन। गन नीचे करो। इट्स ओके विजय, दे जस्ट डूइंग देयर जॉब। वी आर हियर टू फाइंड बबन एंड इज इलीगल लिकर प्लेस। हम आपका पहचाने नहीं, हम सब भारी गलती हो गया है, हमें माफ कर। इट्स ओके, हम समझ रहे हैं कि आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। मैम शैल बिलीव रास्ता सब करो, जाने दो। सॉरी मैडम, उका है ना, हम पहचाने नहीं आपको। शराब की तस्करी तो सुनी थी बिहार में, अब दूध की स्मगलिंग भी शुरू कर दिया आप लोगों ने। नहीं नहीं मैडम, इका है ना, दूध नहीं है ये, जो है दूध के अंदर ना एक देसी दारू है। और ये जो लोग है ना, बब्बन राय के सब आदमी, इस दूध का डब्बा में दारू का स्मगलिंग पकड़ने के लिए हम चेकिंग लगाए थे। ध्यान दीजिए। जी जी, हम आते रहेंगे। बहुत ध्यान रखेंगे आप मैडम। जाए दो सब, जाए दो। ये तुम्हारा IAS वाला दिमाग था? बौड़ा गई थी क्या तुम? बल्ली से पहले हम लोग ऊपर पहुंच जाते। भैया बंदूक तो हम सादिक भाई से ले लिए, लेकिन ना चलाना हमें आता है ना आपको। हमें लग रहा है हम जल्दबाजी में कोई गलत कदम तो नहीं उठा बैठे। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम, चित्वा वा भोक्षसे महीम। अब हमारे लिए सही और गलत जैसा कुछ नहीं है नन्नू। हमको गलत और बहुत गलत के बीच में चुनाव करना था, वो हम कर चुके। बंदूक की गोली से मारा तो ठीक, नहीं तो दिमाग से मारेंगे।
पर बल्ली मरेगा जरूर। कहां रह गए थे यार? सारा प्लान चौपड़ कर दो। नाकाबंदी में फंस गए थे। ननु, रेस्टोरेंट को चल, तुम आगे आगे आगे। चौसा के बूढ़ा और जवान, लीजिए अपने करेजा को थाम। कहे कि आपके मनोरंजन का है हमारे पास पूरा इंतजाम। सबसे पहले आप सबको, हमारे प्रिय बल्ली भैया को, नवोदित कलाकार चंदन चमेली के तरफ से 20 उंगली जोड़ के है प्रणाम। भैया होंगे आपके, हमारे लिए तो बल्ली जी हैं। बल्ली जी प्रणाम। हे भौजी, तुम यहाँ? बाप रे भौजी, तो आजकल हाँ हो गई है, क्या बताएं। पहले हमारी भौजी ने ऐसी वैसी रही, कोई ध्यान नहीं देते रहे इन पे, लेकिन आजकल भौजी में बात ही कुछ और हो गई है भैया। कटीली हो गई है, कटीली। पहले भौजी को देख के क्या लगत रहा पता है भाई? क्या लगत रहे बताए? बोला बोला तो सुनिए, ये सरक जाई है दुपट्टा सरकारी, ये नशे की बीमारी, ये नशे की बीमारी, लाल पानी की बुतलवा में खोया है भोला भाला भागी। ए, ए भौजी तनी सुना तनी, ए भौजी तनी सुना तनी, ए हम मर जाई हैं ता, ए हम लुट जाई हैं ता, ए हम मर जाई हैं ता, ए हम लुट जाई हैं ता, अरे ना मिली है जब काटर बीड़ी जीवन चौपटवा, ए हम मर जाई हैं तार, ए हम लुट जाई हैं तार, ना मिली है जब काटर बीड़ी जीवन चौपटवा। रे अर पहल धरती कल्लू, अर पहल धरती कल्लू, अब तो लाल हो गई, अर लफत कमर कन हर कैसी अब डार हो गई, पहल धरती कल्लू अब तो लाल हो गई, अरे लफत कमर कन हर कैसी अब डार हो गई, 16 साल हो गई रे गदरा माल हो गई, 16 साल हो गई रे गदरा माल हो गई, 16 साल हो गई रे गदरा माल हो गई, 16 साल हो गई रे गदरा माल हो गई। ओ बाबू कह कह के हम हारे, ओ बाबू कह कह के हम हारे, ऐसे ना जाओ तुम द्वारे, सौतन बैठी है घर के सामने, वो चाहे फनुमा पे बतिया लो, चाहे फेसबुक के आलो, ऐसे ना जाओ सीधे सामने,
ऐसे ना जाओ सीधे सामने के सजना ऐसे हुए फरे भी दस के नोट में बिक गए जी के राजा हर गए जागीर जमानत रुक रुक होगी जी आँखों में काजर पहरे आँखों में काजर पहरे तू बवाल हो गई तुझ सीने से लगाऊं तुझे खिसियां में छुपाऊं तू मोबाइल हो गई 16 साल हो गई रे गदरा मान हो गई 16 साल हो गई रे गदरा मान हो गई 16 साल हो गई रे गदरा मान हो गई 16 साल हो गई रे गदरा मान हो गई 16 साल हो गई रे गदरा मान हो गई 16 साल हो गई रे गदरा मान हो गई क्या लगा था रे तू आएगी रिझाएगी
तेरा कभी और। अजय भैया देखो हमारे कातिल। ये हमारे कातिल थोड़े ना नन्नू, ये अपने आप के कातिल हैं। इन पर ध्यान मत दे, तू पढ़ाई कर। 15 तक देखा ना, 15 का सी सी। अम्मा 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 कुत्ते का उम्र 12 साल। सियार का उम्र 13 साल। राजपूत के बच्चे का उम्र 30 साल। अब पीछे का रास्ता बंद हो चुका है, बस आगे बढ़ना है मरते हुए। मिट्टी का तेल वहां रखा है, खून धो लो। साला एकदम जान था हमारी, बहुत साले को छोटा भाई जैसा प्यार करते थे, लेट गया। कौन मारा रे इसको? भैया वो एक लड़की थी। लड़की? हाँ। पता करो साला कौन है, उसको घसीट के लाओ। अरे बल्ली ये कौन मौत मरा रे साला, हाँ? कौन मौत मरा रे? अरे साला पुलिस की गोली से मरता, दुश्मन की गोली से मरता, फौजी की गोली से मरता। अरे लड़की 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 का मार, लड़की लड़की से मर, लड़की से मर, लड़की ये कौन मौत रे, ये कौन मौत रे? हाथ साला, हाथ साला, हाथ 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 गरीब भाई, ये कौन मौत रे भाई? मारेंगे, चल छोड़ छोड़ चूतिया, चल। अरे लड़की का मौत, चल ले जाओ साला, फूंक दो उसको, चल चलो फूंक रहे चूतिया इसको। गुड़
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद जी, इतने उत्तेजित क्यों हो रहे? अरे इतना उत्तेजित कैसे नहीं हो बाबा, और आपके ये बब्बन जी पैसे के इतने भूखे हैं कि इंसानी जान लेने में भी नहीं हिचकिचाते हैं। हम इस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं सर। बवासीर कैसा है आपका? हाँ, टट्टी में थोड़ा सा लेटरिंग के साथ खून आया था। एक नया जड़ी बूटी आया है पहाड़ से, कहो तो भिजवा दें, एकदम ठंडा हो जाओगे। शांति शांति। अभिकारी विभाग भी हमारे पास ही है, अगर हमारी सरकार गिरी तो आप लोग भी हमारे साथ जाएंगे। अरे कितना समझाते हैं आप लोगों को, ये नकली दारू बनाने का काम बंद कीजिए, मत कीजिए, मगर आपकी समझ में आता ही नहीं है। वैसे भी आप लोगों का हर काम इनलीगल होता है। अरे शांति शांति शांति। बबन जी, ये नकली दारू का धंधा बंद क्यों नहीं कर देते? और ये कैसा माल बना रहे हो? मासूम दारू पीने वालों की जाने जा रही हैं। सही कहा आपने, आपके आदेश का पालन हो आज से बंद, सारा काम बंद, वादा चलिए सब बंद, चले आनंद बंद कर दी, आदेश आ गया। रुक रे रुक, ये मादर अरे रुक रे कुत्ता साला हराम खोर कहीं का, ये रुक रे भोए सड़ी। आनंद प्राप्त हुआ, अब आप निश्चिंत होकर जाइए, आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। आनंद आनंद बाबा। मेहमान। प्रणाम भैया। का बागी, बागी हो गया रे तू, बागी लंगड़ू दिन। नहीं भैया, हम कैसे बागी हो सकते? भैया दारू बना रहे हैं और बिजनेस भी कर रहे हैं। हाँ पता है रे बेटा, नहीं तभी तो तुम पकड़ा के यहाँ आए हो। नहीं भैया, हम तो कहा है कि बाल बच्चा को पढ़ाना है ना, तो दो पैसा का कारोबार आपको छोड़ा हुआ है ना भैया, तो हम भीख समझ के ले। लालच में तुम बगावत पे उतर आया है? नहीं भैया। अच्छा सुन, अब क्या करे तोर? भैया हम आपका सेवा किए, आप अब मौका दीजिए भैया। भैया जो छोड़ छोड़ बैसाखी छोड़, पकड़ सरवा गिरेगा नहीं तो। पकड़ पकड़ देख, तू हमारा बैसाखी था, हमको धोखा दिया, तो हमारा बैसाखी छोड़ गया,
तो हम तुम्हारा बैसाखी छोड़ देते हैं। और माफ तो तुझे नहीं करेंगे, कहे कि सर्वा तेरे को माफ करेंगे तो पूरा टापू पे जितना है ना सब सर्वा बगावत पे उतर आएगा, आंदोलन हो जाएगा। समझ रहे, जिंदाबाद जिंदाबाद टाइप मुर्दाबाद। छोटा छोटा बाल बच्चा भैया, आप आपको बहुत इज्जत करते हैं भैया, पढ़ाना है उनको ना, पढ़ाएंगे भैया। ठीक है ए बल्ली, इसको कैसा मौत दे रहे भैया? गोली मार दे भैया। गोली नहीं यार, नहीं, फुर्र करके छर्रा घुसेगा, नहीं। दूसर कौन मौत? चाकू से चीरते हुए। चाकू नहीं रे पगला, सेवा किया भैया हम आपका। तभी ना, सेवा किया है इसीलिए इसको। अब ये छोड़ दीजिए, देखो हम थोड़े हम भावुक भी हैं, इसको हल्का मौत दो। कौन जैसा आपके भैया? हल्का मौत नहीं भैया। अरे बच्चा छोटा छोटा बाल बच्चा भैया। अरे भैया भैया सेवा किया, हल्का मौत भैया। बाय करो, बाय करो भैया, हो गया हल्का मौत, हो गया। हमारा याद रखे, चलो बल्ली भैया, चले चले बल्ली, हल्का मार, ठीक है। ए, देखो संभल के आओ भाई तुम। ये देखो तुम्हारा फैशन वाला ड्रेस, अभी राशन है, अभी है अजय भैया का जूता, वो सवेरे सवेरे नंगा पैर दौड़ता है ना। हाँ आए बेटा, तुम ना काजल लगाया करो, बचपने से तुमको नजर लगती है। ठीक है, ठीक है। हाँ, हाँ। आपके लिए भी लाए हैं भाई। ऐसे काय देख रही है आप? ये देखिए हम लाए हैं आपके लिए, है लाल चुनरिया। पहली बार देखे तो एकदम वैसी लग रही हो। बच्चे नहीं होते ना घर में तो हम तुमको चूड़ी भी पहना देते। बैठो। कहाँ बेटा, कहाँ चोट लगा के आए हो? चोट बोट नहीं लगा, किसी से झगड़ा करके आया है। नहीं अम्मा, साइकिल से गिर गए थे। साइकिल से गिर गए थे? हम राजिया हमें पढ़ा रहे हो, हम जानते नहीं है का? सच्ची बताओ, हाँ बाल नोच लेंगे उस मूछ। अरे नहीं अम्मा, साइकिल तेजी से सर पर दौड़ाए जा रहे थे, चेन उतरा धराप से गिर गए। तुमको विश्वास नहीं हो रहा तो हम लगा देते हैं साथ। हाँ ठीक है ठीक है, रहने दो, ज्यादा चोट नहीं लगा ना। अरे नहीं अम्मा, चोट उठ में कहा था, हम तो पट्टी भी नहीं बंधवा रहे थे, लेकिन उन्हीं तो बोले, मतलब सादिक भाई बोले तो हम पट्टी बांध दिए। नीतू? कौन नीतू भैया? नीतू? हाँ नीतू बोले ना आप। हाँ हमारी कोचिंग वाली मैडम है ना, उनका नाम नीतू है ना, वो थी वहां पे, तो वही हम। देख जरा, हम तुम्हारी माँ है, सब जानते हैं, हम सबके लिए दम आलू बना रहे हैं। और हमारे लिए गुलगुला। हाँ ठीक है ठीक है अम्मा। हाँ अलीसी का सुनोगी? दूध पुआ भी बनाओ ना। ठीक जा, घर के स्वामी जी आप क्या खाए? ये आपके आलू दम पे हमारा दम अटक गया है। और आप अपने लिए क्या बना रही? हमें कुछ नहीं चाहिए, सबको खुश देख के हमको खुशी मिलती है। लॉटरी निकला है क्या? ए बेटा नन्नू, ये देखो भाई जो फैशन वाला ड्रेस लाए हैं ना वो पहनो, पहलो पहन के दिखाओ हमको। है वही लॉटरी लगा है ममता, जो तुम लग पाई हो। हमारा कारोबार के बारे में हमारा बच्चों को पता ना चले, कसम से ममता हमको नहीं समझ में आ रहा है कि हम का गलत कर रहे हैं और का सही कर रहे हैं। स्वामी जी
गलत सही कुछ नहीं होता, सिर्फ गलत और ज्यादा गलत फर्क करना पड़ता है। धंधा कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है भैया, आज ही 4 टन दाना डलवाए, मछली 300 ग्राम के ऊपर भाग रहा है। 2.5 करोड़ में ठेका लिए हैं, 2.5 करोड़ का नुकसान हमको हुआ ना तो तू लोगन का मछली निकालब और इसमें छोड़ देंगे, समझ रहे? नहीं होगा भैया। चल जी भाई। वो लड़किया लड़की का क्या हुआ? आप बुलाएं भैया पनवाड़ी को। ए पनवाड़ी इधर आओ, ए बताओ भैया को। प्रणाम भैया। हाँ चल, क्या हुआ? अरे देखा है उन लोगों को? जी भैया जी। वो लड़की के बारे में पहले बताओ। बातचीत से तो एकदम पढ़ी लिखी लग रही थी भैया जी। हाँ। सुंदर तो इतनी थी। हाँ। कि भोजपुरिया हीरोइन रानी चटर्जी भी उसके आगे फेल है। हाँ। एकदम देसी कट्टा लग रही थी भैया जी। देसी कट्टा जी। सामने आएंगे और लोग को नहीं तू चिन्हा तो कुल कट्टा और छर्रा तुरी गाड़ी में डाल दे। ठीक बा, चल भाग। अजय बेटा आ गया। ये ले बेटा। क्या माँ? वो बहुत खुशी का दिन है आज, बहुत खुशी का दिन है। तुम लोग लायक बन गए। जिस दिन बब्बन को मारोगे उस दिन हम पूरे गांव में भोज देंगे। हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं अजय, और फिर पूरे परिवार की जिम्मेदारी भी तो तुम्हारे कंधों पर है ना। अगर तुम ही हार मान जाओगे तो माँ और नन्नू का ध्यान कौन रखेगा? हाँ, फिर हम भी तो तुमको ऐसे नहीं देख पा रहे हैं ना। मैं आपको संभालने की कोशिश करो अजय, दोबारा कोचिंग ज्वाइन करो। हाँ अजय, अजय, कब नहीं आता है? हमारा का तुम्हारे ऊपर कोई हक नहीं था, है? आज फिर सोएगा तुम्हारे साथ? ऐसे कहाँ कहाँ छूता है तुमको? इधर छूता नहीं, इधर इधर छूता होगा। कहाँ है चले जाएं? आएंगे ना तेरे फर्स्ट, तुम कसम में हमारी जान से। ओहो, नजर न केकरो लग जाए कहीं हुस्न के कोठी में, एगो निबुआ दो चार गो मरचा लटकाला चोटी में। कारे एसपीआ से मिलना जरूरी है क्या? जरूरी है भैया। खंजर होता मार के भोंक देते। गद्दा तैयार करो, आ रहे हैं, चल रहे। कैसे हो? प्रणाम। वाह वाह वाह, बैठो। अरे यही सब मत किया करो, बैठो। अरे साहब का कोनो सेवा हुआ? आए ये शंकर, वो फरा होगा तरबूज ना, नया वाला, उसको निकालो, जूस पिलाओ साहब को। जी भैया। मुनिराम। हाँ भैया। साहब के लिए जूस लाओ।
आशीष जी भैया। और सब? आशीर्वाद भैया। परिवार ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। ये का हो जाता है आपको, जैसे ऊपर से कोनो फोन आता है तो एकदम बवरा के आप फिर एकदम वो आदेश का पालन करने लगते हैं? हम कुछ नहीं किए बबन भैया। बोलो माई क्रिया। माई क्रिया? बोलो बाबू क्रिया। बाबू क्रिया? बबन भैया हम कुछ नहीं किए। वाह बहुत अच्छा, तुम आंख में आंख गड़ा के क्रिया खाए हैं। ए शंकर जी भैया, खोल रे पिटारा, दिखा नजारा। ऐसे इनको कोनों के अंतर आत्मा से आवाज आती कि चलो जाते हैं बब्बन राय के टापू पे रेड मारते हैं, इसे अंतरात्मा से आवाज आया क्या? बबन भैया मत कहिए, हम तो परेशान, पूरा डिपार्टमेंट इनसे परेशान है। अपने आप को नहीं बड़का भारी एक्टर एकदम हीरो समझते हैं, अक्षय कुमार एकदम। ओ खिलाड़ियों के खिलाड़ी। हीरा के दिल मेरा गोरिया चली हुए वाला। देखिए भैया, हमने हम आपके सामने ही प्रूफ किए देते हैं। अच्छा करो। देखिए काजी, तो मना किए थे ना, सब में कहाँ घुस गए सब में? हाँ, किसके ऑर्डर से गए थे रेट डालने? अपने उसके ऑर्डर पे। देखें देखें इनको। इनको जो है ना ईमानदारी की विस्की पी ली है। पूरा सिस्टम एक तरफ, ये जनाब एक तरफ। जो सिस्टम के साथ चलता है ना आलोक सिंह जी, बड़ा खतरनाक होता है, जान ले बूझ ले। और कहा है कि बब्बन राय, यानी कि हम बब्बन राय खतरों के साथ खेलते हैं। बब्बन राय खतरों के साथ खेलते हैं, खतरों को पालते नहीं। सही में कार्य शंकर, ये कैसा फसल लगाया तरबूज का? सरवा देखा, रंग उसका लाल नहीं है, हैं? बर्बाद होगी क्या फसल? साला तू लोग खाद और नहीं डालता है क्या रे? का काम करता है तू लोग? खाद नहीं डालता। पच 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 बढ़िया खून निकल रहा है एकदम लाल। यह सरवा तरबूज का कलर चाहिए था। शांत हो, शांत 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 हो जा। वाह एकदम लाल कलर हो गया। पीजिए। वो गड्डी दे रहे हम है ना, सबका बब्बन पूरा हिसाब किताब बराबर रखते हैं। अब इसका भी सरवा हिसाब रखे थे निकाल के कि ले जा भाई, तो निकल गया, तो इसका हिसाबों निकल गया। ये ले रख कि आपका हिसाब जाओ, बाकी का दोनों भी दे दीजिए। वो दे दें? अच्छा ले जाके उसके बाल बच्चा को दे देना बस। और सब क्या है अम्मा? चूड़ी सिंदूर लाल चटक सारी नाच गाना आप कुछ नहीं अम्मा, हमको एकदम नहीं समझ में आ रहा है कि तुम चाह क्या रही हो। अजी तुम्हारे बापूजी का सिर्फ शरीर नहीं है, उनका सपना जिंदा है। अब तक जो तुम लोग पूरा करेगा
जिस दिन हम बम्बन से बड़ा बनेंगे उस दिन ये सिंदूर धोएंगे। त्रिलोकी चाचा जो बाबूजी के धंधे में हिस्सेदार थे, हमने उन्हें संदेशा पहुंचा दिया है कि तुम लोग उनके साथ काम करोगे, बब्बन के टक्कर में खड़े होगे। अब बब्बन के डर से मना कर दिया तब? प्यार से समझा दे। अच्छा भैया, अकेले काहे जा रहे हैं? हमें साथ नहीं लेके जाएंगे का? नहीं, अब तुम हमारे साथ नहीं जाओगी। काहे? काकी, हम तुमको अब जोखिम में नहीं डाल सकते। अम्मा पढ़ाई करेगी, इसके लिए हम लड़का भी देख रहे हैं। अच्छा, जब बलिया को मारने गए थे तब याद नहीं आई? हरजी अफसर बने तुम्हारे लिए, तब याद नहीं आई? काहे हमको चमेली बनवा के लेके गए? सिनेमा हॉल में काहे अकेला छोड़ के आए? तब तो सिर्फ इसी नन्नू पर विश्वास था आपको, और आज जब पहला मुकाम हासिल कर लिए हैं तो हमको साइड कर दिए। और अम्मा तुम बहुत ठुकराई है ना तुम में, तो बताओ भैया को कि राजपूत की औलाद सिर्फ बेटा नहीं बेटी भी होती है। ए, तुम चपड़ चपड़ करना बंद करोगी अपना? ए, बोल दिया ना कि तुमको नहीं ले जाएंगे तो नहीं ले जाएंगे। बंदूक चलाते वक्त हाथ कांप रहा था तुम्हारा, हम नहीं पहुंचते वहां पे तो देखा आपका निशाना हमने। अगर हम नहीं आते ना तो आज बल्लिया की जगह बाबूजी के पास हम होते। अम्मा इसको बता दो कि सिर्फ हम जा रहे हैं, ये हमारा फाइनल डिसीजन। अरे मैया रे, ये का हुलिया बना के रखी हो? पैंट शर्ट पहन के क्या फोटो खिंचाने जा रहे हो क्या भैया के साथ? कहे तैयार नहीं हुई, कोचिंग नहीं जाना है का? इस लितुआ देख, कपड़े पहनने से कोई लौंडा नहीं बनता है, समझी? अगर इधर उधर की बातें की ना अगली बार से यही तुम्हारे समय तोड़ देगी। उड़ा गई हो क्या है? दिमाग नहीं काम कर रहा है? संगीता तुम जाओ घर, पागल हो गई यही, जाओ। खाली अकेले यही पागल नहीं हुई है, पूरा घर पागल हो गया है चाचा जी के मरने के बाद। ये चोटी बना रहे हैं, ये पैंट शर्ट पहन रही हैं, ये सिंदूर लगा रही हैं, पता नहीं क्या होगा। पर ओ संगीतवा रुक तो। का चाची? बेटा किसको पागल बोली? हमें? हमारे बच्चों को पागल बोलती है? पागल बोलती है? पागल बोलती है हमारे बच्चों को? हमारे बच्चों को पागल बोल रही है? मृत्यु सर्वहर हश्चाहम मत्वश भविष्यताम कीर्ति शिवाक्ष नारी नाम स्मृति मृधा कृति क्षमा। औरत प्रसिद्धि समृद्धि साहस शक्ति क्षमा का रूप होती है। औरत हर चीज की जननी है और मृत्यु का कारण भी। जो हो चुका है वो भी और जो होने वाला है वो भी। नन्नू जाएगी, जरूर जाएगी। एक चिता तो हम अपनी आंख से देख चुके हैं, दूसरी भी देख लेंगे। पप्पन को मुर्दा और उसके टापू को कब्जा करने के लिए सब सही है। नन्नू जा। चल
जी कहाँ मिलेंगे? पेड़ के नीचे मिलेंगे। त्रिलोकी जी, कैसे आना हुआ? हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? सिंह जी, जिनके साथ आप दारू का धंधा शुरू किए थे ना, हम उन्हीं के बेटा बेटी हैं। अच्छा अच्छा, बड़े भले आदमी थे। हे चावला, देसी की सप्लाई हमें दे दीजिए। कुछ समझ रहे हैं आप लोग? अरे ये तो सीधा सीधा बब्बनराय के खिलाफ जाने का बात हो गया। इतना बड़ा हादसा आप लोग के साथ हुआ, फिर भी बंद कर चुके देसी शराब का धंधा। बंद करके आपको घाटा ही हुआ है ना, और दिक्कत क्या है? दारू का धंधा आप मिलके संभाल लेंगे और बब्बन को नन्नू और अजय देख ही लेंगे। चलो मान लिया हम आपको दे दिए, पर आप दोनों कैसे संभालोगे? आपको तो मालूम ही होगा कि बल्ली को नन्नू और अजय ने मारा है। चलो मान लेते हैं कि बल्ली को आप दोनों ने मारा है, लेकिन बब्बन राय बल्ली नहीं है। उसका पहुंच और पावर बहुत ज्यादा है, जोश में मारा होगा। बैठ उधर। निशाना चूका नहीं है, अगली बार ना दोनों के बीच में मारेंगे। ये जोश में नहीं, होश में मारे। अगर आप बब्बन से डर रहे हैं तो हमसे भी डरिए। बब्बन के पास गैंग है तो हमारे पास हिम्मत है। अगर आपने हमारी मदद नहीं की ना, तो आप भी हमारे दुश्मन होंगे। बेटा हम तो तौल रहे थे आपको। हे गन नीचे। तो क्या तोले? इतना कि बल्ली को जोश में नहीं मारा है। तो साथ दीजिए हमारा। दिया, बब्बन राय के खिलाफ हमारे सीने में भी आग है, लेकिन हम उससे अकेले लड़ नहीं सकते हैं। कोई भी माई का लाल आज तक उसके खिलाफ नहीं खड़ा हुआ है। अब आप दोनों आ गए हो तो चलो बन जाओ हम सबके नेता। हम देंगे आपका साथ। हमको नेता नहीं बनना है त्रिलोकी जी, राजा बनना है। राजा चलन।
कहाँ हो? बब्बन राय को लेने आए। समय लिए हो? समय लेने के लिए समय नहीं हो। बिस्कुट लेने आए हो? इंस्पेक्टर के गायब होने में साफ साफ नाम आया है, वारंट है। ए, भाभी जी की ब्रा पैंटी के लिए पैसा भिजवा देंगे, यही अपना ड्यूटी कीजिए। ए शंकर, हट, रख इसे, रख। वो सड़ी के मेरी बीवी की जरूरतें पूरी करने के लिए मेरी तनख्वाह बहुत है, तेरी तरह वो चाटने की जरूरत नहीं है मुझे। आइए आइए, स्वागत है आपका, आइए। अतिथि देवो भव, हमको लगा एकदम दबंग का सलमान खान आ गया, सेम वैसे ही कपड़ा पहने हो, क्या लोगे? देखो ये हमारे ना अभी ये बगीचा में बड़ा वाला ये सब लंगड़ा आम फरा हुआ है, कहो तो अब इसका तोड़वा के लेने तो बब्बन राय को आया हूँ, आराम से चलना है आप। अरे इतना जल्दबाजी कहाँ हो हैं? एक तो आके हमारे पूरा द्वारे तुम इतना ड्रामा की, वो खाकी वर्दी वाला हमारे द्वारे जिंदगी में साला कभी नहीं आया था। हमारा तख्ता है, देखिए हम आइए वहाँ बैठिए, हमसे बात करिए, बात करोगे तब हमको ले जाओगे ना, ऐसे थोड़ी ले जाओगे। बैठिए, देखिए जो हिसाब से पूरा हड़कंप मचा है, पहली बार हुआ है हमारे द्वारे, इतना कभी ड्रामा नहीं हुआ हमारे गेट में, कभी नहीं हुआ। एक बार बताएं कहाँ इतना जल्दबाजी में हो तुम? इतना जल्दबाजी ना करना कि नपुंसक बन जाना, घर जाओगे पत्नी लती आएगी, घर से निकालेगी, हमको भी गरी आएगी, हमको बद्दुआ नहीं चाहिए महिलाओं। अरुण शेखर, ASP, चौसा डिस्ट्रिक्ट, मेरा नाम डायरी में लिख लो। लिखने की जरूरत है नहीं, जान रहे तुम्हारा जितना जितना पोस्टिंग हुआ, जहाँ जहाँ तुम थे वहाँ का बड़ा बड़ा बाहुबली को तुम पेशाब छोड़वा दी, सब जान रहे हैं आपकी बात। चर्चे तो मैंने ही बहुत सुने, पुलिस डिपार्टमेंट में अच्छा खासा नाम है तुम्हारा। कुछ बज रहा है, देखो क्या बज रहा है। हेलो जैन सर, ठीक है सर, जैन सर आप तो मुंह मीठा करो, चाय तो पी के जाओ, देखो जीते हैं हम। पहली बार सरकार के जमानती हुए हो, जीत किसकी हुई है खुद ही डिसाइड करो। हम दो ही मिनट में आते हैं, अच्छा तब तक तुम भैया को राखी पहनवाओ। जी मां। अजय भैया देखिए हम कितने दिन बाद सलवार कमीज पहने हैं, आज आज हम पुराने वाले दिनों की खुशी की जिंदगी जीना चाहते हैं। अच्छी लग रही है। थैंक यू। हर बार की तरह कोई किताब कॉपी मत दे देना, चले दीजिए हमारा गिफ्ट दीजिए। किताब कॉपी हमारा गुजरा हुआ कल हो गई है ना, हम कुछ दे सकते हैं ना तुमको, तो बस यही
यही हमारा भविष्य है। तुम भी झूठ में मत जियो। हमारा सच बदल गया है। इतना पैसा कहां से आया हमारे पास? ये दूध का कारोबार बढ़ गया ना। झूठ बोलते शर्म नहीं आ रहा आपको? और तुमको भी पता था मां। क्या हुआ भैया? क्या हुआ पापा? पूछो पापा से। पूछना क्या है? बताइए ना क्या करते हैं आप? अजय भैया क्या करते हैं? पापा दूध का बिजनेस करते हैं। शराब बेचते हैं हमारे बाबूजी, और भी देसी घी ना रहा है भी हमको आप पे। अपने आप पे भी आ रहा है कि आपके इस कमाई से हम पढ़ाई कर रहे हैं। अजय भैया अजय भैया ने दिया हमारी सुरक्षा के लिए। नन्नू भी आई है साथ में। कैसा चल रहा है कोचिंग वगैरह? हाँ सब ठीक चल रहा है, अगर तुम होते तो और भी अच्छा। हम कहाँ आएंगे अब यहाँ? लड़का लोग दे रहा है पैसा वैसा सही समय पे? कुछ दे रहा है और कुछ लटका रहा है, जैसे हमेशा ही होता है। और वैसे भी जैसे कि तुम जानते हो, चौसा का हर लड़का तो बब्बन की दारू बेच रहा है। अच्छा नीतू, तुमसे हम उसी सब लड़का लोग के बारे में बात करनी थी यार। क्या बात करनी थी? मतलब लड़का लोग जो है जो बब्बन का काम करता है, तुमको तो तुम्हारे पास तो उनका नंबर होगा ना? हाँ है। हमको दो ना। काहे? मतलब हमको जरूरत है। क्यों, बाबूजी का बिजनेस टेक ओवर करना चाहते हो क्या? हाँ करना चाहते हैं। सीधे सीधे बताइए, नंबर देंगे या नहीं? ये तो बच्ची है, इसको क्या बोलूं? लेकिन तुम तो समझदार हो ना, तुम्हें क्या लगा हम तुम्हारा साथ देंगे, और वो भी इस गलत काम में?
बलिया को हम लोग मारे हैं, पता है तुमको? तो सही और गलत से तो बहुत आगे निकल गए हम लोग नीतू। हम वो अजय सिंह नहीं है जिसका फोटो यहाँ पे, जो आईएएस की तैयारी कर रहा है। हम वो अजय सिंह है जिसको बब्बन राय को खत्म करना है। तुम सच में देख लो। देख ही तो नहीं पा रहे हम अपने अजय को, और ये जो मेरे सामने खड़ा है इसको तो हम जानते भी नहीं। ख्याल रखना अपना। गर्दा उड़ा दी। आप ना बहुत ही निर्दयी। काहे रे, का किया ऐसा? जो नो देने का चीज है वो तो देते नहीं, रद्द देने के तुरंत तैयार हो जाते। बुड़बक है रे तू। हाँ, मलकिन बना दिए तुझे। बब्बन राय का पूरा टापू जहाँ पर हो, कई किलोमीटर का खेती, गाड़ी घोड़ा बंगला, सबके तो मलकिन बना दिया। अब क्या चाहिए, बोल बोल। ये सब ना चाहिए। अब एक सोने का सिक्की, भाई का ब्याह है ना, खादी गला लेके कैसे जाएंगे? पगली, एक सोने का सिक्की रे मेरी रानी, तेरे को सोने में लाद देंगे, लाद देंगे पूरा। कपड़ा ही नहीं पहनना, सोना ही पहन के भेजेंगे। कितना है सोने का सिकड़ी? सोने मार दे रहा है पूरा। शंकर बोल रहे भैया। हमेशा गलत टाइम पर ही आता है रे हराम पर। कहाँ गया शर्ट हमारा? भैया सठाई नहीं। बुलाओ आइए। भैया जी। अरे नहीं नहीं भैया जी, मेरे पति को छोड़ दी। पति को छोड़ दे? हमको समझ भी नहीं आ रहा, लगता है आप लोगों का बीच में आजकल कुछ प्रेम वेम कम है क्या? नहीं भैया जी, दिन भर हाथ पर इतना मारे फिर भी इतना ही मिला। बाद में अगर आप चाहेंगे, जितना चाहे जितना बोलिएगा हम भेजवा देंगे। देखा सेठाइन जी, कोनो खैरात का दुकान तो हम खोले नहीं है कि खैरात करें यहाँ। आधा पैसा दोगी तो आधा पति मिलेगा, पूरा पैसा दोगी तो पूरा पति ले जाओगी। कहा भैया जी, हम समझे नहीं। शंकरवा समझा देगा। चलिए आप, हम समझाते हैं। समझाएगा, चिंता मत। वो हर साइड में खड़ा रहा, जाओ आते हैं। ए, सुन, बल्ली के हथियारों का क्या हुआ? भैया बस दो ही दिन का समय दीजिए, बता देंगे। हाँ, दो ही दिन का समय दे दीजिए, बता देंगे। दो दिन? पका हुआ एक तरबूज निकालो। अरे तरबूज, इनको इनका पकड़ दिखाओ। का नाम है, किनको? राजीव मिश्रा। कौन है आपके? मेरे पति हैं। राजीव मिश्रा। अरे तरबूज काट, गर्दन मत काट दियो। आइए आइए। अरे इधरे तो रखे थे कहीं, हम कहाँ थे? अरे उम्र कितना है? 50 साल होगा। मुझ था? अच्छा अच्छा, इधर आइए, टेंशन मत लीजिए। हेलो, ठीक है? देखिए कौन आया है आपसे मिलने के लिए। ऐसे रखते हैं आप लोगों को? अरे भाई ऐसे रखे, खाना उना सब खिलाएं इनको। थोड़ा दूर से, दूर से, दूर से। अरे भाई जिंदा है, रोते रहे आप? नहीं उठिए। अरे जिंदा है, रोइए मत। चलिए आइए आप पीछे। चलिए आइए आइए। अरे भाई, भाई जिंदा है, रो कर रहे। अरे आओ यार, सुन उधार ले गया, साफ करो, निकालो इनको भाई। ए, चलो जल्दी। छोड़ दीजिए भैया, भगवान के लिए छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। Ah!
कम लाई है तो थोड़ा कम तो लेके जाना ही पड़ेगा सेटाइन। लीजिए चलिए निकलिए, चलिए चलिए चलिए। जितना चाहोगे उतना माल मिलेगा, बाकी के माल का क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ भेजना है, किस किस को मैनेज करना है, ये आपको और इसको अजय को दोनों को मिलकर सोचना है। सब मैनेज हो जाएगा त्रिलोकी जी, खाली आप माल बढ़िया बनाइए, पिछला बार की तरह जहर नहीं बना दीजिएगा, 50 आदमी मर गया। नन्नू दीदी कौन है? हम ही हैं अजय सिंह और यह हमारी बहन नन्नू। नीतू मैडम काहे नहीं आई तुम लोग के साथ? नीतू मैडम नहीं आई हैं और बोली हैं कि आप हमको बब्बन भैया से ज्यादा इज्जत देंगे और मान सम्मान देंगे, और जब पढ़ाई पूरा हो जाएगा हम लोगों को तो हमसे कोनो काम जबरदस्ती कराएंगे नहीं आप। बिल्कुल सही बोली है नीतू मैडम, कितना देता बब्बन रहा तुमको? अरे भैया, घर से कोचिंग तक चले जाएं बस इतना ही पैसा बचा पाते हैं, राशन और फीस का सोचना भी हमारे लिए पाप है। बिल्कुल सही बोल रहा है भैया। और हाँ, बिहार में बब्बन से कौन दारू लेना चाहता है कौन नहीं लेना चाहता है सब पता है हम लोगों को। 50 रुपए पर बोतल देंगे, जितना बेचोगे उतना कमाओगे। हो जाएगा दीदी, हो जाएगा, हम सप्लाई चालू रखेंगे, आप माल देते रहिए हमें, माल की कमी नहीं होगी, सेल की तैयारी करो। और सुनो विद्यार्थी लोग, पढ़ाई दारू का ढुलाई कोचिंग का रखवाई में तुम लोग कोई कमी ना छोड़ना, और रात को तुम्हारे पेट भराई में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद। गुफा में ले आए सादिक भाई। गुफा है? नरक है साला, जहां देखो यमदूत निकल आ रहा है। बेटा ऐसी चीजें नरक में ही मिलती हैं। चलो आ जाओ। आराम से आराम। मलावा तैयार है? इनमें से बिना जोर लगाए कौन सा चलता है पंडित जी? तुम लोग को देखकर लगता नहीं कि तुम लोग इसे चलाओगे, ये खिलौना नहीं है,
बंबू शहर से बनकर आता है, इसको चलाने के लिए दिल में आग होना जरूरी है और मकसद भी। गोली अपने आप चल जाती है। ठीक है, गरमा कहे जाते हैं, आप नोट लीजिए, माल दीजिए, ज्ञान देने लगते हैं। सादिक भाई, हमारे मकसद और आग के बारे में इनको अच्छे से समझा दीजिएगा। चल ठीक है, समझ गए, चल जल्द आएंगे, चार पेटी तैयार रखना। ये कौन है ये? अरे नए एसपी साहब हैं, अरुण सर। पुलिस थाने के चक्कर काटते रहे हम तो, थाने ने समय नहीं दिया। एएसपी साहब आप यहाँ? धन भाग हमारे, उम्मीद तो कोई आई। काफी होनहार बच्चे हैं आपके, क्या नाम बताया था? नन्नू, अजय। दिखाई नहीं दे रहे? कैसे दिखाई देंगे, दिन रात पढ़ाई में लगे रहते हैं, बहुत देर बाद आएंगे। हम भी फुर्सत में आए, आज मिलकर ही जाएंगे। एएसपी साहब, हमारे बच्चे अजय नन्नू, तीन महीने बाद बाबूजी के कातिलों का बदला लेने आए। आए तो सही, क्या इसमें? यूपीएससी की तैयारी चल रही है, सामान्य अध्ययन ना, सामान्य नहीं होता है। कीप वर्किंग हार्ड, डू वेल। थैंक्स फॉर योर कंसर्न सर, थैंक यू वेरी मच। अब इसके बाद हमको कोई नहीं रोकेगा मां। और साला, ये वीडियो में लड़का कौन है?
ही हम गए। लड़की को इतना हिम्मत कैसे आ गया? बल्ली पहलवान जैसे आदमी को मार गिरा है। कौन है तुम भैया जी? ये तो पहचान में नहीं आया, लेकिन जिस गुस्से से बल्ली को मारा है लगता बहुत नफरत करते थे उससे। तो हमको भी लोगों से नफरत हो गया है। पता करो कौन है तुम। जी भैया जी, एसपी साहब का फोन है, आप कहें तो ले लें। जैन सर, बल्ली के हत्यारों में कुछ पता चला? पता कर रहे हैं सर। ऐसे बैठे बैठे पता लगा नहीं है? थोड़ा कल के घोड़े दौड़ाओ, सोचो बल्ली ने इससे पहले ऐसे ब्रूटल तरीके से किसको मारा था। इसका पता लगाओ, हत्यारा मिल जाएगा। अरे अरुण सर, तो अंधेरे में रोशनी दिखा दिए भाई। भैया जी, हमको लग रहा है ना ये लंगड़े सिंगवा का बेटा बेटी है। तुमको लग रहा है? उस साला हमसे क्या बुझवल खेल रहा है क्या? कंफर्म हो या नहीं? कंफर्म तो नहीं है। सुन रे बोका, तेरा चेहरा बोका जैसा है। जो भी है सर्वा सपोला ही है ना। उठाओ इनका उम्र का जितना भी लौंडा और लौंडिया घूम रहा है ना, सबको उठा के ले आओ। चल चल सुन सुन सुन, तुझसे नहीं होगा, हम ही चलते हैं। कावारे का भैया, हमको मौका दीजिए। ये सब जो है ना त्रिलोकी जी, इतना बड़ा फौज खड़ा हो गया है, मामला अब आर पार का होगा। क्योंकि बब्बन रुकने वालों में से नहीं है। राइट। पैसों का जरूरत पड़ेगा। देसी दारू का सप्लाई तो चल ही रहा है, पर त्रिलोकी जी ये क्वालिटी का आप बढ़वाइए, कुछ करवाना पड़ेगा इसका इंतजाम। इतना बड़ा हो गया है सब कुछ, सबके खाने पीने का खर्चा बढ़ गया है। बात तो आपका 16 आने सच है, पर हम क्या करें? हमारे पास बढ़िया शराब बनाने वाला कोई कारीगर ही नहीं है। एक था, लेकिन वो भी आपके पिताजी की सप्लाई बंद होने के बाद चला गया। पर आप चिंता मत करो, एक नया आदमी बुलाया है, तारीफ तो बड़ी सुनी है, अब देखते हैं क्या बनाता है। ठीक है।
क्या हुआ? क्या हुआ? खून। क्या? बहुत बुरा सपना। हाँ? सपना देखी क्या? सोचो। नहीं क्या? खून के नदी में डूब गए। सो जाओ। खून से सना हाथ बहादुरों का सूबा है। मेहंदी के लाल और खून के लाल में अंतर होता है मां। बाबूजी ने नन्नू के लिए ये तो नहीं सोचा होगा ना? ये हाथ में जब पप्पन राय का खून सजेगा तो और सुंदर लगेगा। हमारे सोच अनुसार होता तो दुनिया इतना बुरा नहीं होता। कहने को तो हम आदमियों की दुनिया में रहते हैं लेकिन कानून जंगल का है। समय आ गया है भगवान को चुनौती देने का। हमको पूरा यकीन है कि तुम दोनों उसको जरूर मारोगे। बन मुर्गा बनो ठीक से। साले पढ़ने लिखने की उम्र में शराब बेचते हो? अरे साले बिहार का नाम खराब करोगे क्या? पढ़ने लिखने की उम्र में सारे शराब बेचते हैं? यही करने के लिए यही करने के लिए सर। पढ़ाई लिखाई साढ़े बाईस इसी चक्कर में फीस नहीं का नाम बर्बाद कर। अरे आप कौन है भाई? यूपीएससी का तैयारी करेगा। अरे इधर आइए इधर। अरे पढ़ता है हमारे कोचिंग में भैया। इनको सजा कानून देगा। आप इधर आइए। कानून तो अरे इधर आइए इधर आइए। नाम खराब हो गया ना, कोई उपाय है? अरे इसका उपाय है भाई, इसका उपाय है, हर चीज का उपाय होता है। हाँ हाँ हो जाएगा सर। अरे बच्चा बुतरू है सर। चलिए ठीक है। क्या हंगामा लगा? चलो तमाशा चल रहा है। लेकिन एक बार डंडा दिया। अरे नाने रहने दिए, बच्चे हैं, सुधर जाएंगे। आओ जी। अरे महाराज दौरिया तो दे दीजिए हमारा। अरे बेहूदा दारू। नहीं नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी भैया।
थैंक यू सर। बिल्कुल सही समय पे आ गए भैया आप, नहीं तो आज हम सबका कैरियर बर्बाद हो गया होता। घबराओ नहीं भी, बब्बन थोड़े हैं यार, तो यूज करता है या फेंक देता है, हम लोग तो तुम्हारा दिमाग यूटिलाइज करते हैं ना। खाली अगली बार से पकड़ाना मत, संभल के। ठीक है भैया, चलो निकलते हैं। चले भैया। भैया जी, ये अरुण वाले ना हमारे साथ बड़ा गेम कर दिया। जैसे आईजी को आप शांत करवाए थे ना, प्लीज इसको भी ना काला पानी भिजवा दो, नहीं तो ये अजय और नन्नू के साथ में मिलके ना हम सबकी कहां चिंता करना। सपोलो के लिए तुम चिंतित, बस उनका लोकेशन पता करो, बताओ कि कहां मिलेंगे सपोले, पकड़ लेंगे उनको, उसके बाद उनका मूड़ी ऐसे कच 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 कुचला जाएगा। और तुम अपना भी चिंता मत करो, तब तक तुम सस्पेंड होना जी, बहाली तक हम बहालो कर देंगे तुमको यार, तब तक तो हमारे बैंड में शामिल रहो जी। थैंक यू भैया, हंसते हो तो एकदम बोका लगते हेलो, कौन? हेलो, नन्नू, अम्मा, नन्नू, ओ निकल, बुरा सपना देखिएगा। अरे नहीं, पापा के आदमी सभी जा रहा है। कहाँ? चल, अम्मा को उठा जाके। अम्मा चलो, अम्मा चलो, चल। अरे अम्मा क्या कर रही हो, बुलाओ उसको। अरे पागल हो गई हो क्या, कहां जा रहे हो? चल चल अम्मा। अम्मा ठीक हो तुम? इधर नहीं, इधर नहीं, इधर से गाड़ी जा रहा, इधर से निकलो, इधर से, इधर से जल्दी जल्दी। चिराई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए भैया, अगर छिप के लिए दिख गई तो सबकी गांड मारो। ये चलो रे अल्लाह, दौड़ी शेखर।
नीचे नीचे रुक, नीचे रुक, नीचे नीचे उधर है ऊपर भैया क्या कर रहे हो? न मनी है न शिवकली है न मैं। घर पूछ तो भैया को कुछ तो बताना पड़ेगा। ये चलो रे कैरोसिन की डब्बी निकालो चलो। चबूतरा पे बैठी मैया ललना सुलाए मैया ललना सुलाए गोदी में बनाए करके पलना मैया ललना झुलाए मैया ललना झुलाए थप थप से मिचती है पलकें पलकों में हौले हौले नींदिया समाए थपकियों की थप थप से मिचती है पलकें पलकों में हौले हौले नींदिया समाए कहाँ लिए जाए लोरी में सुनाए ऐसी दुनिया जहाँ कोई खून ना बहाए जहाँ कोई खून ना बहाए रे घर कौन जलाए मालूम है क्या नहीं पता मैडम जी रात कुछ लोग आए थे गाड़ी से कौन लोग पहचान सकते हैं नहीं मैडम चेहरा तो नहीं पहचान सकते हैं और घर के सदस्य वो कहाँ पता नहीं मैडम जी आए नहीं क्या अभी तक नहीं मैडम जी अभी तो नहीं आए तो फोन किए होंगे किसी को नहीं मैडम जी फोन तो नहीं किए अच्छा तो आप लोगों के पास नंबर होगा उनका नहीं मैडम जी नंबर तो हम लोग नहीं लिए हैं तो कहाँ है ना कि ऐसा अत्याचार हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किसी का भी घर जला दिया किसी को भी मार दिया ये कोई बात हुई का हम ऐसी चीज की सख्त निंदा करते हैं विरोध करते हैं ऐसी चीज का कि घर के सदस्यों को सूचना दे दीजिएगा जी मैडम कि इनकी लड़ाई अब हम लड़े जी मैडम ठीक है ठीक
तुम बिल्कुल चिंता मत करो अम्मा, त्रिलोकी चाचा अजय भैया को नया घर दिखाए हैं, हम सीधा वहीं जा रहे हैं। और ये बपनवा को तो ऐसा सबक सिखाएंगे ना, इसकी रातों की नींद उड़ा देंगे। बनराय का टापू जला दो। बोलो रे। अरे भैया उठा है ना, कि जिसको उठाया है वो हमारे संरक्षण में। जय गुटका थुक थक छू दिया। अब बोल। कहा गया ना कि जिसको ये उठाया है वो हमारे संरक्षण में। 4 साल पहले उठाया था भैया उसको, 50 लाख रुपया भी दिया। हम कहे कि ठीक है और तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, 5 साल तक हम सुरक्षा देंगे। और ये उसको उठा लिए, हमारे इज्जत का तो भैया माई बहन करती है। टुनटुन बोलो। भैया उठाए ये बात तो सही है, मगर इनके संरक्षण में है ये बात हमें पता नहीं था। अब उठाए हैं तो ऐसे छोड़ तो नहीं सकते, आखिर मेरे भी नाक की बात है। और हमारे नाक का क्या है भैया? तुम दोनों का नाक का सरवा लड़ाई चल रहा है, समझ गए? ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि दोनों का नाक एकदम हिमालय पर्वत की नियन रहे, है ना? जी भैया, हमारे पास एक रास्ता है। बोल। कि उसको छोड़ दें और उस सुरक्षित अपने घर चला जाए। छोड़ेंगे कैसे? छोड़े हैं पकड़ने के लिए क्या? अरे टुनटुन जी, वो हमारा आदमी है। अबे तोर सार बाकरे, साला है तेरा है? साला होता भैया तो कब का छोड़ दिए रहते। वो क्या है कि ये हमारे भाई हैं और उस हिसाब से वो हमारा साला हुआ। और आपको तो पता ही है, सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। तुम ये ज्यादा मजाक हो रहा। अरे भैया आप ही कोई रास्ता निकालिए ना। ये देखो हमारे पास एक उपाय है, लेकिन तुम दोनों का मंजूर होगा तब हम बताएंगे। बोलो मंजूर है? मंजूर है, मंजूर है भैया। 50 लाख रुपया राजन ले चुके हैं, ठीक जी। टुनटुन तुमको 50 लाख चाहिए, ठीक? हमारी बात मानो तो दोनों लोग 25-25 लाख रुपया आपस में बांट लो। देखो धंधा में कमी बेसी होता है, कभी ऊपर नीचे उठता है, लेकिन आपस में लड़ाई से अच्छा है कि 25-25 लेके तुम लोग अपने अपने रास्ते निकल जाओ। क्या कहते हो? सही है, ठीक है। तो भैया हमारा तो नुकसान हो गया ना। ए पगला, कोनो नुकसान नहीं होगा, बब्बन राय यहाँ खड़ा है। हमारे इलाके क्षेत्र का सब खेला हम जानते हैं, किसी को नुकसान होने नहीं देंगे। तुम लोग अपना लोग है, हमारा कोई नया हथियार आया अत्याधुनिक है, उसको दे के तुमको बराबरी कर देंगे, ठीक है? ठीक है भैया। क्या? ठीक है भैया, ठीक है। चलो दोनों आदमी हाथ मिलाओ, गले मिलो। तो अपना क्षेत्र में कोनो बकबक झकझक पसंद नहीं, तो सर्वा पकड़ खेत में होगा ना। फल को है रही? मेवा लाल है? पानी वानी पिया उसको? हाँ हाँ भैया जी। भैया तरबूज। अच्छी दिए, चल आगे। अरे ये तो मेवालाल है। तेरी ये साला, कौन खाया रे इसको? भैया हमका लगता है कोनो जानवर काम है। हमसे बड़का जानवर कौन आ गया रे यहाँ? हैं कहा है ना, ये इलाका में बनैला सुअर का बहुत प्रकोप है, उन्हीं में से कोनो का काम होगा। मांस तो वहीं ताजा ताजा लगता है, यहीं अगले बगल होगा साला। ढूंढ पकड़, खोज साले को पकड़ के लाओ, आज ही भुना के तू लोग इनको पार्टी देंगे। 25 लाख का नुकसान कर दिया रे। हैं क्या हो? अरे कहे तू, चल आप बताता है, ऐसा थोड़ी आता है, मरता है आदमी, इसमें क्या हुआ? कहाँ आए हो? कहाँ आए हो? अरे तुम तो हमसे ऐसे भागते जैसे हम तुम्हारे कुछ है नहीं। जो भी करते हैं तुम्हारे खातिर ही करते हैं।
राक्षस तो कमरे साथ देख लेगा ना, छपड़ी खींच लेगा तुम्हारे। तुम हमसे प्यार करती हो? ये कैसा सवाल है? तुम हमसे प्यार करती हो, हाँ या ना? तू हमरा मर्द है, ब्याह करके लाया हमें, तुझसे प्यार ना करेंगे? तो चल यहाँ से भाग, चल चल। फिर वही बात, भागना आसान है का? हाँ, कहाँ जाओगे भाग के और कैसे भागोगे? है कौन जगह? अपन का आदमी लोग हर जगह पे खड़े हैं, देख लेंगे ना, तो खुद तो मरोगे, मुझे मरोगे। कोई नहीं देख रहा ना, चलना समझ गए होगा, चिल्ला कह रही हो क्या? गलत देख लेगा ना तो आफत आ जाएगा। कोई नहीं देख रहा, नहीं तो करो। तुमको भी तो मना किए थे ना कि उसको नहीं मिलना, कहाँ बीच में आ गई, बता लगा क्या? सॉरी, चल मार के सरवा फाड़ देंगे, चल कहाँ तेरे को मना किया? का जवाब देंगे उसको? मर गया, पहले शुक्ला के आदमी को उठाने की गलती की, अब वो साला मर गया, अब शुक्ला हमको बदकट्टा ही समझेगा ना? अरे टुनटुन बाबू, इसमें आपका कौन गलती है? कुल गलती तो हमरे बा, आप लाए थे उसको अमानत के तौर पे हमारे पास रखने, अब हम नहीं बचा पाए, वो मर गया, अब क्या करें बताओ? क्या भरपाई करें? हम भरपाई करते हैं, चलो कहानी खत्म, चलो बोलो क्या भरपाई करेंगे बब्बन भैया? जिंदा कर सकते हैं उसको बब्बन भैया? सुनो, जिंदा तो उसको भगवानों नहीं कर सकता, समझे? राजन को क्या जवाब देंगे हम, और महान जी के उसूलों का क्या होगा? अरे महान का छोड़ा मर दे, और सबको हम समझा लेंगे, पूरा भरपाई होगा, कहे नहीं मानेंगे लोग, और बब्बन बोलेगा और कोई नहीं मानेगा, ऐसा तो नहीं हुआ है मेरी जान, समझ रहे हो? महान जी का बात है, हम कर देंगे, बुलाएंगे। प्यारे हो तुम इतना, है रात को तुम पार्टी करते, मानेंगे नहीं वो लोग? अरे मानेंगे पगला, हम है ना, हमारे बात कौन डालेगा? रात को पार्टी करते हैं, शराब होगा, शबाब होगा, बनैला सुअर होगा, बनैला सुअर खाया कभी? नहीं। कड़िया फट जाएगी सरवा, किसानों कर मटन बहाना की उंगली चाटते चाटते चटैला को कुर हो जाओगे। बात कर रहे हो, हमारे मित्र हो तुम, ये देख रहे हो वो वाला नेट लगा, देखो ब्लू वाला ऑस्ट्रेलिया से मंगा है, अभी 25-25 किलो का मछली इसमें फंसेगा, पूरा गर्दा पूरा सलाद जिला में हमारे मछली बिकाएगा, समझ रहे हो? यही तो करना है यार, वो देखो बड़ा माछ पकड़े हैं यहाँ, 5 किलो का सर्वा माछ निकला सला, देख रहे हो? बब्बन आज रात अपने टापू पे पार्टी करने वाला है। किसका मैसेज है? अनजान नंबर है। फोन करिए जरा। अरे पहले भी लगाए थे, हर बार नंबर ऑफ आता है, इसी नंबर से पहले मैसेज आया था जब हम लोग घर से भागे थे। भैया हमें लगता है हमारी कोई मदद करना चाहता है। अरे नन्नू तुम तो पूरा गुत्थी सुलझा दो। बब्बन राय के दुश्मनों का कौनो कमी है का? जिंदगी बस ससुरा किया क्या, दुश्मन ही तो बनाया है, होगा उन्हीं में से कोई एक। तो त्रिलोकी जी
आज रात बब्बन पे हमला ही कर दें। फिर वही बात, समझाओ अपने भाई को, बब्बन राय के ऊपर हमला करने की बात कर रहा है, वो भी उसके घर में घुस के उसकी पार्टी में, बता वहां तुम्हारा कौन स्वागत करेगा? बब्बन का खासम खास जो उसे हथियार सप्लाई करता है सुलेमान, दर्जन भर गुंडों की फौज के साथ। तो ठीक है, इस बार उसे हम खुली चुनौती देंगे। फिलहाल तो यही फोटो मिला है कॉलेज से, कई महिलाओं को लगाए हैं काम पे, ढूंढ निकाल। अच्छा, हाँ बोल। कल आपके निकलने के बाद से ही ललित बाबा अपनी बीवी के साथ गायब है। अरे कहाँ गायब हो सकते हैं, यहीं कहीं होंगे, गन्ना के खेत में, नहीं तो धान फरा हुआ देखो वहीं कहीं होगा। भैया खोजे हैं, कहीं नहीं है वो लोग। वो मोहिनी तो होगी ना? नहीं है, मोहिनी भी नहीं है। पक्की खबर है भैया? साला हराम खोरो, जाओ खोजो ललितवा को और ले आओ साले को घसीट के, उसका सामान ही इधर कूच देंगे। रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जी 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 भैया। क्या दुनिया आया है, मतलब इमोशन का कोनो वैल्यू नहीं, कलेजा फाड़ के प्यार करो तब भी धोखा, क्यों ऐसा हमारे साथ हमेशा है? आप ही कहते थे ना कि चप्पल की जगह चौखट पर होती है, बिस्तर पर नहीं। अपनी ही बात भूल गए। महिलाओं को खुद देख के हम ना उनके प्रति बड़े दयालु हो जाते, समझ ही नहीं आता हमको कभी, मतलब नेल पॉलिश नहीं लगाई है। लगाएं क्या? लाल कलर का। पसंद है? हाँ। क्या छोटी बात कर दी? मतलब बात, अरे फ्री शो चल रहा है, हैं? ले जाए फोटो बड़ा कर। पोस्टर कितना बड़ा भैया जी? हमारे लिए इस वाड़े का माप ले लिए, इतना बड़ा। क्षमा भैया जी, क्षमा। सोच रहे थे तुमको ना, वहां गई हो कभी? आप लेकर ही नहीं गए? बहुत गहरा जंगल है। गहरी चीजें पसंद है? बन पाप पुण्य योग क्षेम सब कर्मों का फल है। अरे एकदम सही गए, यही तो शब्द सुनता हूँ। वैसे आपका हाथ जो मेरे सर पर है ना, ये फूल आपकी माया, देख रहा हूँ ना पूरा भौकाल जो मचा सिर्फ आपकी वजह से मचा। सही में ए मान जी, गले मट्ठा ला रे ए बोका, हाँ जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी दौड़ गया रे, बुढ़ा गया साले तू। खीर बन रहा पर ये चावल ना सिज नहीं रहा है। अरे तेरा चावल नहीं सीजता तो कभी तू नहीं सीजता हराम खोर कहीं का। सिजाते हैं, सिजाते हैं। साले उसी में डाल के तुझे सीजेंगे, हर काम तेरा देरी से होता है, मीठा कम नहीं होना चाहिए हराम खोर कहीं का। जा ए सुन, हथियार का क्या हुआ? बब्बन भैया आपको तो मालूम ही है कि प्रशासन थोड़ा टाइट चल रहा है, तो ये वाला जो खेप है ना वो इस हफ्ते के बाद ही आएगा। इंतजाम हमने कर लिया है, अगला खेप बलिया से गंगा जी के रास्ते आएगा। हर बात में बोलना तेरा जरूरी है क्या रे शंकर? हर बात में मुंह डालता है रे तू, हैं? साले औकात तुम लोग सब भूल रहा है अपना, और मालूम है किसके सामने हम हैं? हराम खोर लोग साला, का हो? कुछ बोलोगे कि मुंह देखोगे? रेवेन्यू उस हिसाब से कहां से जनरेट हो रहा है? दारू के धंधे पे तो आपका ध्यान है नहीं, हमको क्या मिल रहा है? घंटा सुना है, कोई लौंडा लौंडिया है छाए हुए हैं सारे जगह पे। शांति शांति।
क्रोध में मनुष्य अपना मुंह खोल लेता है परंतु अपनी आंखें बंद कर लेता है, जिससे उसको कुछ दिखाई नहीं देता। काले अंधेरे में वो कुछ भी कर बैठता है, सामने वाले को कम स्वयं को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। क्रोध एक तरह का पागलपन है जो बेवकूफों के दिल में बसता है, एक तरह की दशा है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देती है। क्या कर रहे हो? संभालो अपने आप को, कमजोर होते जा रहे हो तुम। प्रणाम मान जी। ओह हेलो क्रिश्चियन माय डियर, हाउ आर यू? आई एम गुड मान जी, आई एम सो हैप्पी टू रिसीव योर कॉल। सेम हियर मान जी। हाउ इज योर ब्यूटीफुल वाइफ एंड लवली चिल्ड्रन? विद योर ब्लेसिंग्स बोथ ऑफ देम आर वेरी गुड। ओह गॉड ब्लेस देम। आनंद भवा, आनंद। आई हैव सेंट अ स्मॉल गिफ्ट फॉर यू। यस यस यस, आई गॉट योर अ गिफ्ट। आई होप यू लाइक इट मान जी। यस यस, बट वेटिंग फॉर द डायमंड की माला, सेंड इट फास्ट। श्योर मान जी, इट विल बी देयर वेरी सून। आनंद भवा, आनंद भवा। प्रणाम मान जी। बब्बन जी, मान जी, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आज जिस गद्दी पे तुम बैठे हो कल कोई और बैठ सकता है। शांति शांति। भाई आग लगाओ, आग लगाओ। रोक दो। चलो कहा है ना कि परमा लगा है सैटेलाइट, हम लोग हैं यूपीएससी के स्टूडेंट, चेहरा आ गया तो बहुत दिक्कत। चलो लो छुपा के रखो। परो जल्दी 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 बैग। हाँ भैया, पूरा बिहार के दारू पिलाते हैं बब्बन भैया का, तो तरबूज नहीं खाने मिलेगा, बढ़िया खेती हो रहा है यहाँ पे। अरे तुम क्या बब्बन भैया का साले हो क्या कि तुम्हारे लिए तरबूज का खेत लेके आए? सार बनवे वाला क्या बात है भैया, एक बना तरबूज खाएंगे उसमें क्या जाएगा, खिला दीजिए ना यार। जाओ अच्छा ले लो। हैं पहले ठीक है भाई। सुनो हाँ, तरबूज और खोपड़ी में फर्क नहीं हो ना? खोपड़ी रहेगा तो कर देंगे, तरबूज रहेगा तो लेके खा लेंगे। जाओ अच्छा जाओ, ज्यादा बतियाइए मत, काम पे ध्यान दीजिए और जल्दी जल्दी भरते रहिए। चलिए 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 चलो चलो। ए भैया फटाफट करा यार। ए प्रफुल, ए दिवाकर, अरे पूरा खेत चढ़ जाओगे क्या भाई? आने मिल गया, खाओ और चलो जल्दी जल्दी बढ़ावा भैया काम। ए बंसी भैया, ओ बंसी भैया, अरे बब्बन भैया बड़ा वाला मीठा तो तरबूज मांगे हैं रस निकालने को। ठीक हो भेजे थाई। चाची आपकी साड़ी का रंग बहुत अच्छा है। ए भैया, ए चाचा, वो बड़का वाला तरबूज भेज दो और बब्बन भैया के पास। भैया प्रणाम, बंसी भैया का नाम पूरा इलाका जानता है, देखिए तरबूज आप खिला दिया आज महाराज, मन खुश हो गया भैया। भैया अरे यूपीसी का लड़का लोग जो लेके जाते हैं। हाँ ठीक हो ठीक हो। दो तीन को लड़का लोग का बुनती था, एक छोटा सा हमारा भी था। बब्बन भैया का चेहरा देखने का कितना दिन से मन में तमन्ना, हम क्या बताएं। आप खाली एक बार ऐसे ही मिल लोगे का, मजाक है? यूपीएससी का तैयारी करते हैं भैया, एक बार चेहरा देखने का पता नहीं निकल गया इस साल ना, तो कितना नाम जपेंगे बंसी भैया का, समझते हैं? एक बार भैया है, खाली तरबूज रखेंगे, प्रणाम करेंगे, इसे खाली गोर छुएंगे। अरे 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 चल जाएंगे भैया। ठीक हो ठीक हो जाओ। देखा पैर छुए बकचोदी ना किए, ठीक है फटक से आ जाए। पक्का भैया? पक्का ना, चला 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 निकला। चलो भाई
हर हर महादेव भैया। हर हर महादेव चला। अरे चलो बे। ए फटाफट आओ यार, फटाफट करो काम। अरे सब रखवा दे, पहुंचने वाला था, सब लोग कहाँ गया? आए, कौन है रे तू लोग? टापू पे कैसे पहुंचे? हट भैया। का तू लोग कौन? पहचाना? तू लंगड़वा का लौंडा लौंडी है का? यहाँ कैसे आए रे? का आए, पहले देख तो लो। गांड फटा? अभी कहाँ फटा है? आप फटेगा। का मतलब? रुक रे चूतिया, रुक। कहां कहां लगाए रे तू? रुक। रुक। का है भैया? पगला गया क्या रे? हैं? ये सरवा फटेगा तो तू न कभी वह छेदकड़िया फटेगा यही हमारे साथ। मरने का डर अपने बाप के चिता पे ही हम लोग छोड़ आए थे पपन राय। तो हमारा घर जला है ना, हमारे टापू का सीना फाड़ दिए। बाप को मारे हो तुम, बिना तुम्हारे कलेजा का खून पी हुए तो मन नहीं मानेगा। लेकिन उससे पहले ना तुमको मटिया मेट कर देंगे, तब तक तुम डर का मजा लो। चलो नो। अरे साला ही इवांचो टिक 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 कहाँ कर रहा है रे? औरा ये 5 मिनट में फटेगा या 5 सेकंड में, ये हमको भी नहीं मालूम है। देख लेना तुम लोग। अरे कहाँ रे बोल? अरे भैया देख कहाँ रहे, फेंकिए इसको। अरे चूतिया फेंकते कहीं फट गया तो? अरे फेंकिए, कहीं नहीं फटेगा ये। हाँ फेंकिए। सर ठीक है। कहीं मदर चौधर हट करी। डंका बज गया रे डंका, पूरे इलाके के बच्चा बच्चा की जुबान पे आज नन्नू और अजय की बहादुरी के चर्चे हैं। शेर को उसकी मान ने घुस के लताड़ा साले को। जियो मेरे शेर। ई तो अभी शुरुआत है त्रिलोकी चाचा, पर नाम को बरकरार रखने के लिए हमें ग्राउंड लेवल पर काम करना होगा, और इसीलिए हमें अपने इलाके के लोगों का भरोसा जीतना होगा। नानू बेटा, हमें नहीं लगता कि इलाके के लोग हमारा साथ देंगे, क्योंकि बब्बन का खौफ अभी भी जिंदा है। इसके लिए हमें बाहर से आदमी लाने होंगे। भाड़ा के सिपाही के साथ लड़ाई लड़ा जाता है चाचा, जंग नहीं। जंग वही जीतता है जिसके सीना में आग होता है। हमको ऐसा आदमी सब चाहिए जिसके अंदर बब्बन राय से लड़ने का मकसद हो, समझे? ऐसे आदमी मिलेंगे अजय? मुझे इस पर संदेह है। आप मिले ना तो ध्यान से खोजिए, और लोग भी मिलेगा। क्या वाह, हमारे लौड़े क्या लग गया, हमारा टापू क्या ब्लास्ट हो गया। अब हमारे यही टाइम हो गया कि गाड़ी में आके तुमको मिले। शांति शांति बब्बन। Someone has rightly said, when you allow greed, anger, frustration to dominate you, you start losing power. Arey fuck the power!
अंग्रेज चले गए, तुम पावर पावर पे रहो, वो भी बगैर तेल लगा कर। देखिए हमें ना एकदम पगला चुके। तुम क्या यहाँ लाड़ लेने आयो? अब क्या बचा क्या है रे? शांति शांति, ये सिर्फ तुम्हारे पैसे से चुनाव नहीं जीतते, इनके पास जनता का समर्थन है। और तुम्हें ये भी बता दे कि अगले चुनाव में भी इनके पास जनता का समर्थन है, पैसा तुम नहीं दोगे, कोई और देगा। अरे सुनिए हो, बहुत हो गया तुम्हारा बकायती, यहाँ राजनीति राजनीति मत खेलना मेरे साथ, याद रखना। हमारे साथ जितना हुआ ना, जिन लोगों ने बच्चों हमको उड़ाया है, हम बदला लेंगे, और किसी को भी बदला लेंगे, साला मारना पड़े ना तो तुम दोनों का टकला फोड़ के भी बदला लेंगे। विनाश काले विपरीत बुद्धि, यू आर गोइंग रॉन्ग वे बब्बन। आज पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे एक बेटे के सर से बाप का हाथ हट गया। अरे आज ही अनाथ होंगे, जाओ साले दोनों को निकलो, आगे निकालो, आगे काट लो। विनाश काले विपरीत बुद्धि, अरे गणिया तोड़ देंगे रे, चूतिया कहीं का हो गया बहन चोत। तेरी बहन चोत गणिया, विनाश काले विपरीत बुद्धि, मादर चोत, यहीं बैठ के मछली मारेंगे साले। टोटल 26 लोग हैं, सब बनवा के सताए हुए। लिस्ट अब जुड़िया लिए ना चाचा, आदमी हम जुड़िया लेंगे। शांति शांति शांति, पाप पुण्य योग शेम सब कर्मों का गेम है। कई बार ऐसा होता है कि जिन्हें हम जन्म देते हैं उन्हें हमें ही मारना पड़ता है। Somebody has rightly said, life is so beautiful. I don't understand why there is so much stress in the world. आप क्या कहती हैं ममता जी? न्योता आपने दिया था मान जी, आप बताएं। अब हम क्या बताएं? आपने जो इस बक्सर में महाभारत छेड़ी है, जीत आपकी थी, बट बोथ ऑफ देम फॉट लाइक वॉरियर्स, योद्धा की तरह लड़े। इसलिए हमने सोचा है कि अब इस गद्दी पे आपका बेटा अजय और आपकी बेटी नन्नू सिंह, हाँ नन्नू संभालेगी अगर आप आज्ञा दे तो। इसे आज्ञा नहीं, भीख कहते हैं मान जी। और हाँ, हम पर निर्भर करता है कि हम आपको दें या ना दें। अब आप इसे भीख ही समझ लीजिए, मैं आपके दोनों हमारे बच्चों का कवच हमारे बच्चे स्वयं है। गलत तो हम थे ही, अब ज्यादा गलत सही। हमें आपका प्रस्ताव मंजूर है, परंतु याद रहे, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आज जिस गद्दी पे बब्बन था, कल आप होंगी, परसों। हमारे संसार में परिवर्तन का कोई नियम नहीं है रुद्रकांत जी। आनंद बाबा, आनंद बाबा, गुड, वेरी गुड। चाची हमारा बात तो सुनिए ना, एक बार नीतू से बात करिए ना। हम गलती से भी नीतू से तुम्हारी बात नहीं कराएंगे, आज तुम्हारी वजह से हमको अपना घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। चाची सुनिए तो हमारा बात, खाली थोड़ा चुप कर गुंडा बदमाश कहेगा। हेलो
एक बात बोले अजय भैया। आपको अपने प्यार पे भरोसा है ना? तो नीतू जरूर लौट कर आएगी। आप अभी जो करने आए हैं आप वो करिए भैया। पता है ना हमारा दुश्मन कौन है? जरा सी भी चूक हम सबके लिए बहुत बड़ी मुसीबत साबित होगी भैया। क्या खुशबू आ रही है चाची? अरे चाची 20 के पकौड़े दीजिए ना। 2 मिनट बीबी जी, अभी गरम गरम बना के देती हूँ। हाँ बैठ जा बच्चा। आपका बच्चा है? हाँ। बड़ा प्यारा है। अरे मैं रोती नहीं, पर इसका सूरत आपसे नहीं मिलता है। अपने बाप पर गया है। अच्छा, क्या करते हैं इनके पिताजी? नहीं रहे। का हो गया था उनको? मार डाला। एक ही तो है बीबी जी जिसने देसी दारू का आतंक मचा के रखा है बीबी जी। कौन? बब्बन राय। तो बदला नहीं लिया? थाने गए थे रपट लिखाने, मारकर भगा दिया। गरीब को गुस्सा नहीं आता। छोड़ मेरी बच्ची को! हमने कहा मेरी बच्ची को छोड़ो। नहीं छोड़ेंगे, क्या कर लेगी? नहीं तो छीन देंगे। अब कहाँ से आया ये गुस्सा? तुमने तो बोला गरीब को गुस्सा नहीं आता। हाँ कमजोर होता है गरीब। पति की याद नहीं आती? ऐसे ही छोड़ दोगी अपने पति के कातिल को? इसके सर से बाप का साया छीन लिया, बब्बन राय ने हमारे बाबूजी को मारा। हम कमजोर नहीं पड़े, बब्बन के आदमी को मारे और अब उसको मारेंगे। बनोगी हमारे गट्ठर की लकड़ी? सोच के बता देना। बीबी जी हम भी बनेंगे आपके गट्ठर की लकड़ी। बताते हैं जल्दी। हो गया? भागेगी, मार के माथा फोड़ देंगे, जाने ले लेंगे। उतर उतर, हम कहे ना, कहां से आई हो? उतर। एक ट्रैक्टर ले जाने पर हमारी जान लेने को आतुर हो। तुम्हारे भाई को बब्बन ने मारा, तब तो तुमने जान नहीं लिया। हम जानते हैं बब्बन को अकेले मारना बहुत मुश्किल है,
लेकिन हम सब मिलकर तो मार सकते हैं उसको। बब्बन ने हमारे बाबूजी को मारा है। दयाल जी की बेटी हो जी। दीदी बहुत अच्छे आदमी थे। आप कैसे जानती हैं मेरे बाबा को? हम तो ये भी जानते हैं कि बब्बन राय ने तुम्हारे बाबूजी को मारा। हम तो बब्बन से अपने बाबूजी की हत्या का बदला लेंगे। तुम्हें साथ देना है तो दे, कोई जबरदस्ती नहीं है। दीदी हम आपके साथ हैं। क्या नाम बताया बेटिया? जी नीतू पासवान। सुना नहीं हमने। नीतू पासवान। नीतू पासवान। अजय सिंह IAS अफसर बनाना चाहते थे इसे। जात पात पे हम यकीन नहीं करते। क्या बोले थे? गुंडा है, यही बोले थे ना? जी वापस लेना चाहती हूँ। गुंडा शब्द वापस लेना चाहती हूँ। मैं क्या बताऊँ, औरतों के पास ना ना समझदारी होता है और ना ही दिमाग नाम का चीज होता है। क्या कह रहे हैं आप? मैं इसको बोला, तुमको समझ में आता है कब किससे क्या बात कर रहा है, हैं? चलो माफी मांगू। अरे माफी ही तो मांगने आई हूँ। लीजिए लीजिए मिठाई खाइए। अरे आइए खाइए खाइए खाइए। अरे बस 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 कलम चलाना खूब जानती हो, अब बंदूक चलाना भी सीख ही लो। कि जब इतना सब कुछ स्वीकार कर लिए हैं तो आपके आशीर्वाद से ये भी कर लेंगे। तीखा है और तेज भी, पहली धार का माल है, थोड़ा तीखा तो होगा ना। पीने वाला ये नहीं देखता है, उसे नशा और मजा से मतलब होता है। इसे फिर से ठीक कराइए आप। देखो फिलहाल तो यही है, थोड़ा पानी वानी मिला के ठीक करा देते। कैसी बात करते हैं महाराज आप भी? पानी मिलाने से नशा कम होगा ना? नशा फीका नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये वाला चखियो बताइए कैसा है। जहर नहीं पिला रहे हो ना? अरे खोलिए खोलिए। क्या बात है यार, एकदम सही, यही माल तो चाहिए था हमें। देखें क्या अलग मिलग बनायो भैया। इसका जो प्रक्रिया और विज्ञान है ना, हम अपने स्वर्गीय बाबूजी से सीखे थे। आप समझ नहीं पाएंगे, कहे कि अलग अलग हाथ का अलग अलग खेल होता है। हाथ का खेला दिखाने के लिए यह जगह कहे चुनी? ऐसा कोई बात नहीं भैया, हम माल सूंघे तो थोड़ा हमको आगे पीछे लगा और बाकी हमको बनाने का जगह नहीं मिला है, इसलिए हम अपने मैडम के साथ यहाँ मजदूरी करते हैं। अब तो जगह ही जगह है, माल बनाना शुरू करो। बंदूक की टोटी,
बबनवा का फोटो, आंख की पुतली, सीधा घोड़ा तानो, गोली आर पार। बब्बन ने हमरे और हमरे मर्द के साथ बहुत ही गलत कह दी थी, इसलिए हम यहाँ भाग के आ गए। कहा बताएं, सही कहें, भाग के तो आ गए, गुस्सा शांत ना हुआ है। और जब तक उसका सर काट के हम फुटबॉल नहीं खेलेंगे ना, हमारे भीतर का गुस्सा ठंडा नहीं होगा। आप दोनों का स्वागत है नन्नू और अजय के गैंग में। अगर हम एक गंगा पे ही कब्जा कर लें तो हम सीधा बब्बन का गर्दन दबोच लेंगे, फिर उसके बाद उसका ना सारा। हेलो, हैं? कब? चाबी कहाँ है? अजय भैया, क्या हुआ? अजय भैया, अचानक कहाँ जा रहे हो? अचानक कहाँ जा रहे हो? तो उठाओ यार। अरे दरवाजा खोलो। अरे तुम लोग अभी तक निकले नहीं थे क्या? फोन क्यों नहीं उठा रहे थे तुम हमारा? अरे इधर है ना, इधर चलिए जल्दी से। किधर था? कोई और दरवाजा है? अरे इधर है ना। अरे पहले कहने बताई, चल।
नीचे मत जाओ, नीचे मत, बाहर मत जाओ, उनके लोग हैं वहां पे। इधर भी उसके आते हैं। अजय खून? कुछ नहीं हुआ है। अजय गोली लग गई है। छू के निकल गई है, कुछ नहीं हुआ है। अरे इससे कैसे छू के निकल गई है? तुम लोग यही रुको, हम आएगा। लड़के लेके आ रहे भैया, मैया चौथे के हराम जाते की। बिना पहले निकलेंगे नहीं बेटा। भोसड़ी बाहर बहादुर चौक गुजरिया गुजरिया मिलेंगे भोसड़ी के, मिलेंगे बहन चौर लल्लाल। निकल 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 गाड़ी निकाल, गाड़ी निकाल।
हम क्या बोल रहे थे, वो कहा है ना कि यहाँ का माहौल देखकर हमें भी लग रहा है कि हम आपके साथ शामिल हो जाएं। सब कुछ बहुत रोमांचक लग रहा है। रोमांच जान भी लेता है चंदू बाबू, हम लोग जो करते हैं ना उसमें बहुत पुलिस का खतरा है, और एक बार नाम एफआईआर में आ गया ना नौकरी भूल जाओ। हमारा नाम बाहर तब ना आएगा जब कोई अपना ही आउट करेगा। भैया ये जरूरी थोड़ी है कि चंदू हमें फ्रंट से सपोर्ट करे, ये हमें बैक से भी मदद कर सकते हैं कल रात की तरह। देखते हैं। हथियार पकड़ना सीख लो, निशाना खुद ब खुद लग जाएगा। ध्यान का भटकना और निशाना चूकना दोनों एक साथ होता है। ध्यान मत भटकाना, हर टारगेट हिट कर सकते हो। वही तो करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप समय देंगी तो जल्दी सीख जाएंगे। साला हम ही गंडुआ आ गए कि सब चूतिया का फौज हम रखे हैं तुम लोग। भैया चूतिए नहीं है, हम 20-25 आदमी लेके आया था, साला बम भी दागा है, नहीं तो पारे कर दिए थे भोसड़ी वाले को। 25 आदमी साले को कहां से मिल गया रे, हाँ? कल का लौंडा इतना ताकतवर होता जा रहा, साला 20-25 आदमी। हे शंकर, इसके पहले कि साला वो रावण बने उसका मुंडी मरोड़ना बहुत जरूरी है रे। साला हमारे इलाका में 20-25 आदमी बताते हैं। चल जाओगे? चलने मरने और कटने से डरने लगता है। बैठ जाए। बैठी वैसे आज ऐसा क्या खास है जो आप लिट्टी बना रही है? बाबूजी ने सिखाया था, अपने मकसद के बहुत करीब हो ना तो आज उनकी याद आ गई।
बहुत करा रही हैं। हम लिट्टी की बात कर रहे हैं, खाते देखिए बहुत करा रही। सुंदर, अति सुंदर। अच्छा हुआ कि तुम्हारी माँ ने, माँ ने नहीं, मैंने आपका प्रस्ताव स्वीकार किया। चाहती तो ठुकरा भी सकती थी। मतलब तुम? हाँ, मैं नन्नू सिंह। अब मेरे इशारे पर धंधे की शुरुआत होगी और धंधा संभालेगा मेरा भाई और मेरी अम्मा। मैं तुम्हारा मतलब समझा नहीं। समझ जाएंगे सही वक्त आने पर। और हाँ, हमारी इस मीटिंग में सिर्फ मैं, आप और ये चार दीवारी थी, चौथा कोई नहीं। शांति शांति शांति। आ गई आज तो, मतलब एक मिनट। क्या कर रही है? हाँ, चढ़ने दो। आज हमारा भैया दुनिया का सबसे खूबसूरत दूल्हा बनेगा। और तू सबसे खूबसूरत जो लग रही है सो तो है। बहुत जल्दी ना तुम्हारी भी शादी करवाएंगे। अच्छा, पर आज तो आपका दिन है ना। कोई बात नहीं, जल्दी तुम्हारा भी दिन आएगा। देखना फोन कहाँ है हमारा। अरे, इतनी आवाज में भी फोन सुनाई दे रहा है भैया को। किसका फोन है? वाह वाह, देना। ओ, अम्मा, नीतू भाभी, नीतू भाभी। देना। ओ, देना। अम्मा के लिए देना। अरे अम्मा, दे दे। अरे कुछ काम। काम। इतना शोर कर रही है ना जानी ना, मैं अम्मा देख रही हूँ। हेलो, अरे शादी के घर में तो शोर होगा ना भैया। ऐसे शोर बंद करने। हेलो, एक सेकंड रुको ना। ये भैया। अरे हाँ, एक थोड़ा बात करें। दो मिनट रुकना है, दो मिनट। हेलो, अरे हेलो, बहुत शोर हो रहा है ना उधर नाच गाने का, इसलिए आवाज नहीं आ रही। काहे भाई, काहे शोर बंद करे, बिया का घर है। पागल हो गई हो क्या? मजाक कर रही हो? सब कुछ तैयार हो गया, अभी तुम शादी नहीं करो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना नीतू? अरे क्या हुआ, क्यों नहीं शादी करनी है भाई? हेलो, हेलो, हेलो नीतू, अरे सुनो ना कि क्या, हेलो हेलो, जी।
अजय, दीदी एक बात बोलना था। बैठो भैया। वो दो दिन से हम कुछ बोलना चाह रहे थे, शादी ब्याह का माहौल था तो हमको लगा कि इसलिए हम रुक गए। और दो दिन से क्या है कि त्रिलोकी चाचा और चंदुआ गायब है। चंदू, वो तो कल हमारे साथ शाम को था। और वो नीतू दीदी जो स्टूडेंट भेजी थी ना, वो भी गायब है। अम्मा हम बोल, कौन बड़ा साजिश हुआ हमारे खिलाफ, नहीं तो इतना बड़ा सेटअप एक साथ नहीं होता। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। क्या सिनेमा था ये, सलमा आगा निकाह, बड़ी छररी थी वो। अरे कहीं डर रहा, कुछ नहीं है, ना हथियार ना कुछ, अकेले आए भाई। भाई की शादी टूट गई तो मुबारकबाद तो देना चाहिए ना कि भैया शादी टूट गई। मोहनी दत्ते जाओ, तुम भी यही हो। बब्बन ललित, बाप रे बहुत गुस्सा है, आग बचा के रखो, छोटा बम भी तैयार हो गया, यही फटेगा। करे वाह, बैठ सकते हैं ना? ये साला पूरा मड़ा उड़वा पूरा तैयार है, भी आएगा को शादी टूटती तो हमको बहुत बुरा लगता। अब याद टूट गया, ऐसा लगता मौत हो गया। ओह एक बार बताए ममता भाजी, देखो हमारा सब कुछ उजड़ गया, अब तुम्हारा भी। हम नहीं उजड़े, वरना तुम यहाँ नहीं आते। बबन राय, देखो ना तुम्हारे पास कुछ बचा है ना हमारे पास कुछ बचा है, बचाया तो सिर्फ मैदान जंग। आओ बदला बदला खेलते हैं।